गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं हम सब? आई हो सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूं मार्केट। लॉकडाउन है, 7 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। एक्चुअली मेरे घर पे कुछ काम चल रहा है अभी कमरे का, सो इसलिए जो हमारे यहाँ पर कारपेंटर्स आए हुए हैं उनकी कोई ब्लेड ख़राब हो गई है, जो मशीन है उन लोगों के पास, सो मैं वही लेने जा रहा हूँ अभी। तो जो हार्डवेयर वाले हैं उनसे हमने कल ही कॉन्टेक्ट कर लिया था, क्योंकि आजकल 3 घंटे ही करीब खुल रहा है शॉप। तो होता ये है कि लोग सोचते हैं कि यार 3 घंटे भी क्या जाएं शॉप के लिए। सो उनसे बात हो गई थी कल और अभी वो शॉप पे ही हैं। सो अभी चलते हैं मार्केट की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको अपना जो लोकल मार्केट है यहाँ का। फ़िलहाल अभी जो है मेरा भाई बाइक लेके गया हुआ है, क्योंकि मुर्गियों का जो चारा होता है वो लेके आना पड़ता है दूर से हमें। और आपने देखा ही है अभी पिछली ब्लॉग में कि जो हमारे मुर्गियाँ हैं काफ़ी हट्टी कट्टी हो रखी हैं, तो यार चारा भी उनको खिलाना ही पड़ता है दबा के। सो देखते हैं कब तक आता है वो। ये जो शीशी मार्ग है अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही तैयार हुआ है, तो अभी काफ़ी अच्छा हो चुका है चलने फिरने के लिए। यहाँ से बाइक भी आराम से घर ले हम ले जा सकते हैं। तो यार बस पहुँचने वाला हूँ मैं रोड में, और ये है हमारा प्राथमिक विद्यालय जिसमें हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है। तो किसी दिन इसका भी ब्लॉग मैं बनाऊँगा आप लोग के साथ पूरा। ये जस्ट पहुँच चुके हैं हम अपने गांव के रोड पे। सो गाइस, कोरोना काल अभी चल रहा है तो मास्क तो बहुत ज़रूरी है लगाना। सबसे पहले मास्क ही हम लगा लेते हैं, और फिर बाइक में हम चल रहे हैं तो फिर हेलमेट भी ज़रूरी है। सो गाइज, अभी जस्ट हम पहुँचे हैं मार्केट। तो अभी लोगों की भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि सामान लेने वाले काफ़ी हैं। अभी काफ़ी दुकानें, अभी रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद भी हैं, होटल्स वगैरह सारे बंद हैं अभी। ये है गाइज हमारे भाटेलिया की मार्केट, जो हमारी लोकल मार्केट है, और ये आप देख सकते हैं लॉकडाउन का नज़ारा। अभी मार्केट वगैरह भी धीरे धीरे बंद होने वाली है यहाँ। तो गाइज अभी मैं हूँ अपने घर पर, और हुआ यूँ कि जैसे हम लोग मार्केट पहुँचे तो 10 बज चुके थे और बहुत सी शॉप जो है वो क्लोज हो चुकी थी। तो जिस दुकान में हमको काम था वो भी बंद हो चुकी थी। लकीली ये रहा कि वो जो शॉपकीपर थे वो हमको मार्केट में ही मिल गए थे, तो उनसे हमने जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके दुकान खुलवाई और फाइनली हमको फिर हमारा सामान मिल गया था। ये रहा वो ब्लेड जो ख़राब हो चुका था। तो गाइस जिस ब्लेड की मैं बात कर रहा था वो रहा ये, देख सकते हैं आप। ये रहे हमारे कारपेंटर, तो ये हमारे गांव से ही हैं। इनका नाम है ललित प्रकाश जी, और हम इन्हें प्यार से लल्ला लल्ला करके बुलाते हैं। तो लल्ला, कितना टाइम हो गया होगा आपको ये काम करते हुए? 74 में हाई स्कूल किया, उसके बाद 1-2 साल रेस्ट, उसके बाद चल गया। अच्छा, तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, तो लगभग लगभग ये हमारे गांव के सभी जितने भी होंगे, क्या बोलते हैं, दरवाजे और खिड़कियां सब बनाए होंगे आपने? दुपड़ियाँ बनाए मैंने पहले से, शुरू से अभी तक। अच्छा, और एक चीज़ और है गाइस, इनका जो ना साइड लुक आप देखिए, पूरा एकदम अभी भी जो पुराने हीरोज हुआ करते थे ना हमारे, उनका लुक अभी भी बरकरार है। तभी से गाइस ये आप देख सकते हैं जो सेटअप लगाया है, ये पेड़ के नीचे लगाया है, क्योंकि धूप ज़्यादा है तो धूप में काम नहीं हो पाता।
गाइज ये है मेरे घर की बैक साइड, ये देख सकते हैं आप, काम चल रहा है अभी। तो एक रूम बनाया जा रहा है यहाँ पर, जिसकी भागदौड़ अभी चल रही थी। ये जो दीवार है आप देख सकते हैं, ये पूरे पत्थर की है। तो कभी भी आप अगर घर बनाते हैं इन फ्यूचर पहाड़ में, तो अगर आपकी दीवार ज़मीन से लगते हुए, तो उसमें ईंट का या फिर पत्थर का दीवार लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सीलन से नहीं आती है। फिर काम नहीं हो रहा है, बारिश हो रही है आजकल, सब कर रहे हैं। इस समय तो खाते कौन सी मार्केट है जी?